बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने बनाया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ स्पेस अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड ऑफ कोर्स बाय सम अदर चार्ज पार्टिकल्स। अब जब आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो किसी भी पार्टिकल की, तो उसका किसी एक पॉइंट पे आप करेंगे ना, मतलब उसके इर्द गिर्द पूरी स्पेस है तो सब पे तो नहीं, किसी एक जगह पे हम देखना चाहते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो वहां पर हम एक टेस्ट पॉजिटिव एक चार्ज ला के रखते हैं जिसको हमने कहा था कि वो टेस्ट चार्ज होगा जो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हो, हाउ कैन यू फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल? ऑफ कोर्स वी अप्लाई कूलम्स लॉ। तो एफ हमें कूलम्स लॉ से हमें फोर्स मिलती है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट 1/4πε₀, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में के भी कहा था। Q is point charge and Q naught is our test charge, जो कि उसकी electric field को test करेगा। इनके दरमियान दो charges के दरमियान जो distance है वो r है, और ये r unit vector उसकी direction को show कर रहा है। अच्छा, force हमने find out कर ली। Last हमने पढ़ा था कि F over Q naught, जब आप इस force को divide करते हैं test charge से तो आपको electric field मिल जाती है। So electric field K Q over r square इन सर्टेन डायरेक्शन, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा, ये हमने फाइंड आउट किया एक चार्ज के लिए, ये किसी एक जगह पे एक चार्ज है और आप किसी दूसरी जगह पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हो, लेट से n है, n कोई भी नंबर है 10, 20 व्हाटएवर, तो अगर अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए वही काम हम करेंगे कि पहले हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे टेस्ट चार्ज और किसी एक चार्ज के साथ, फिर दूसरी उसको हम लेट्स सपोज F1 कह देते हैं। इसी तरह से हम फोर्स Q2 की वजह से Q0 के ऊपर जो फोर्स है उसको चेक करेंगे, ऑफ कोर्स यूजिंग कूलम्स लॉ, तो हमें F2 मिल जाएगा। इसी तरह से हम इंडिपेंडेंटली हर एक चार्ज पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल की वजह से जो फील्ड, एक जो स्पेसिफिक पॉइंट हमने चूज किया है जहां पर हमने Q0 को रखा है, वहां पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस, तो फोर्स को जो उन दो पार्टिकल के दरमियान में, दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उसको वो इफेक्ट नहीं होती कि उसके इर्द गिर्द और कितने चार्जेस हैं। तो इसलिए हम सेपरेटली इनकी सारी फोर्सेज फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद टोटल फोर्स के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है तो हम ये भी कर सकते हैं कि तमाम जो फोर्सेज हैं, या तो टोटल जो हमारे रिजल्टेंट फोर्स आई है उसको क्यू नॉट से डिवाइड करें, या हम F1 और क्यू नॉट इससे हमें E1 मिल जाएगा, F2 और क्यू नॉट इससे हमें E2 मिल जाएगा, और एट द एंड फिर हम सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इंडिविजुअल आएंगी उनको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, यानी कि टोटल फील्ड या नेट फील्ड मिलेगी जो कि उस पॉइंट पर बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होती है, मौजूद होती है। अब एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास थ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक Q1, 2Q, Q2, -2Q एंड Q3 -4Q। इनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज डी एंड वी नीड टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। अगर मैं उसको ग्राफिकली आपको दिखाऊं तो ये तीन पार्टिकल्स हैं हमारे पास Q1, Q2, Q3। Q1 पॉजिटिव 2Q इसका चार्ज है और Q2 इज अ नेगेटिव चार्ज और Q3 4Q इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज थ्री चार्जेस इज एट ओरिजिन, इस ओरिजिन पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। नेट से मुराद है कि बिकॉज ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 तीनों की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, E1 फाइंड आउट करना है। अभी हमने पीछे फार्मूला से इसको किया है कि ये के कह लें इसको 1/4πε₀, यहाँ पे 2Q1/d² डी इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 टू द पॉइंट ओरिजिन, और 2Q क्या था, Q1 की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह से हम E2 निकाल सकते हैं जो कि 2Q/d² आ जाएगा। इस तरह से E3 निकालेंगे जिसमें चार्ज की वैल्यू 4Q/d² है। ठीक है जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। अगर मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाऊं, यहां से हम देखते हैं ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है,
लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये आउटवर्ड्स उसको पॉइंट करती है। इसका मतलब है कि यहाँ से फील्ड लाइन इधर को जा रही होंगी, इस साइड पे ओरिजिन की तरफ समझे आ रही है, और ओरिजिन से अगर आप ओरिजिन पे देखते हैं तो वो ओरिजिन से अवे होंगी। दिस शोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह से Q2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसका ये मतलब है कि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स Q2 होगी। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास दोनों वेक्टर्स की जो यहाँ पे E1 और E2 हैं वो ओरिजिन से आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, दोनों की सेम डायरेक्शन बनती है बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2। आप समझ रहे हैं बात को कि Q1 जो था वो पॉजिटिव था तो उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड होगी ओरिजिन से बाहर की साइड पे, और जो Q2 है वो हमारा इस साइड पे जो पड़ा हुआ है वो नेगेटिव है तो उसकी फील्ड लाइंस टूवर्ड्स उस नेगेटिव चार्ज होंगी, इनवर्ड होती है ना, तो इसका मतलब कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम बनती है। और इनका मैग्नीट्यूड हम ऐड करते हैं तो ये 2+2 4 क्यू इनका टोटल बन जाता है, E1+E2, दीज आर टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया, डायरेक्शन तो ऑलरेडी उनकी सेम थी, ठीक है। अब हमारे पास दो वेक्टर्स बच गए हैं या दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दो ऐड हो चुकी हैं और एक अब उसके अलावा है, E3 और E1+E2। अगर हम E1+E2 करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, ये एग्जैक्टली वो वैल्यू है जो कि E3 की थी। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि E1+E2 इज इक्वल टू 4Q/D², ठीक है। अब वापस इस फिगर की तरफ आए तो ये वेक्टर है, अगर हम दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं वो नीड टू रिजॉल्व दीज वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ से आप प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड पर होगी, ये उसका वाई कंपोनेंट होगा, और आपको पता है कि वाई कंपोनेंट जोन सा है इसका वो E3 × sin θ होगा, थीटा हमारे इस केस में 30 है। इसी तरह से E1+E2 ये वाला वेक्टर जोन सा है जिसको हमने इक्वल किया है E3 के, इसका भी आप अगर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं x-axis पे तो इसका y कंपोनेंट आपको मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी E3 sin θ, थीटा अगेन इस केस में 30 है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन जो उनसे अपोजिट है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और अब हमारे पास बच जाता है x कंपोनेंट। E3 ऊपर वाले की वजह से जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा दैट इज E3 cos θ, और इसी तरह से नीचे वाला E1+E2 इज इक्वल टू E3 × cos θ, ये दूसरे वाले वेक्टर की वजह से हमें इसका x कंपोनेंट मिलता है। और अगर आपको टोटल जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 3x ये शो कर रहा है कि हम x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, सेम मैग्नीट्यूड था अपोजिट डायरेक्शन थी तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया है, और यहाँ पे हमारे पास बच जाता है बाकी E3 cos θ + E3 cos θ, आप इसको ऐड करेंगे तो ये 2E3 cos 30, थीटा हमारे पास इस केस में 30 था। अब आपको पता है कि E3 क्या है, इसकी वैल्यू ऊपर गिवन है, और cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फर्दर डिटेल के लिए पूछ सकते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है वेक्टर एडिशन का, आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, वेक्टर्स अरिथमेटिकली ऐड नहीं होते हैं कि आप 2+2 कर दें, उसमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट में ऐड होता है दोनों वेक्टर्स का, वाई कंपोनेंट वाई के साथ ऐड होता है, ठीक है। इसके अलावा आगे कुछ और हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप एक बार देख लें, उनको ट्राई करें कुछ एकदम ये सॉल्यूशन के साथ ही है कि विच फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ऑफकोर्स जहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं वो फील्ड स्ट्रांग होती है, डेंस होती है। इसी तरह से आपने ये फॉर्मूला है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक टेस्ट चार्ज है 3 μC और दूसरा चार्ज है -4 μC, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनके दरमियान में फोर्स फाइंड आउट करनी है, कौन सी फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान में, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आपके पास मौजूद है, दो चार्जेस आपके पास मौजूद हैं, के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको पता है, तो आप इजीली एफ फाइंड आउट कर सकते हैं,
और अगर एक बार आपको एफ मिल जाता है, उस एफ को जब आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। ठीक है जी, सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन है, ये फोर्स का आंसर है और ये उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके यूनिट आपको बताते हैं कि फोर्स कौन सी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इफ अ टेस्ट चार्ज इज मूव टू अ लोकेशन थ्री टाइम्स एज फार एज इट्स ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि एक किसी पॉइंट पे आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो कि एट सम डिस्टेंस है उससे पॉइंट चार्ज से, लेकिन अगर आप वहां से उसको थ्री टाइम्स और दूर कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगी, तो इसको आप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से आती है, तो ये 1/9 होते हैं, थ्री टाइम्स गए हैं तो उस थ्री का जब स्क्वायर करते हैं तो 1/9 से आ जाता है। इस तरह एक और क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई करें और देखें कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं।